कल मैं दो बातें करके गया था, कल मैं दो बातें करके गया था जब मैच खत्म हुआ था। मैंने बोला था अगर इंडिया कल 400 कर गया, अगर कल इंडिया 400 कर गया तो बचा देगा पकड़ के इंग्लैंड की, और आज बचा दी है। आज इंग्लैंड ये तय करके गया कि हम ये टेस्ट मैच एक इनिंग से हारने वाले हैं। क्या शानदार किस्म का दिन इंडिया के बल्लेबाजों की तरफ से। हालांकि जब पिच नजर आई पाकिस्तानी मीडिया में कुछ लोग थोड़ा रोए थे, ये कैसी पिच है, फिर जैसी इंग्लैंड ने बैटिंग की बोला ये तो दो दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। बट इतने बड़े टर्निंग ट्रैक पे जहां इन एक्सपीरियंस बॉलर इंग्लैंड के इतना ज्यादा टर्न ले रहे हैं, अगर मैं कहूं इंग्लैंड को रुला दिया इंडिया ने तो गलत नहीं है, सही में रुला दिया। मैं शक्लें देख रहा था इंग्लैंड प्लेयर्स की, उनको आदत है इंग्लिश कंडीशन में खेलने की, एक एक दिन के अंदर दो दो बैटिंग हो रही हो वो वाली कंडीशन में खेलने की आदत है, और उनको लग पता गया है। पाकिस्तान में आके उन्होंने हमें लगाया था पता, हमारा बुरा हाल किया था, लेकिन अब इंडिया उनका बुरा हाल कर रहा है। ये इंडिया में अक्षर पटेल टेस्ट क्रिकेट में नंबर 9 पर खेल रहा है, मैं तो खैर देखकर ही जानता हूं कि वो 5 का खिलाड़ी है। चलो मुझे साइड पे कर दो, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर इन टेस्ट हिस्ट्री, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। नेथन लाइन ने कहा था कि अक्षर किसी भी बैटिंग लाइनअप के टॉप 5-6 में खेल सकता है। मैं तो अश्विन को देख रहा था, वो केस भरत के नीचे आ रहा है, इतना बड़ा रिकॉर्ड लेके बैठा हुआ है वो अपने फर्स्ट क्लास का। और अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के बॉलर्स या इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बिल्कुल जो इंडिया के बैटर्स के सामने बेबस नजर आए, और जडेजा की बात की जाए तो 81 रन पे नॉट आउट हैं, और साथ में अक्षर पटेल 62 बॉलों पे 35 रन, और आखिरी ओवर में अक्षर पटेल ने हार्टली को जाओ एक छक्का और दो चौके जा लगा दिए। ये इतने भी छनकने के फैंस, ये जितने भी मेरे घंटे के फैंस, ये जितने भी छनकने के फैंस है ना, 175 की लीड है उनकी, 175 की लीड, 175 की लीड किसी छनकने ने ली हो तो मुझे बता दो। मैं भाई हमारे घर में जब ये इंग्लैंड आई थी ना भाई, हमें 600 मारा था इस इंग्लैंड ने, हमें एक दिन में इस इंग्लैंड ने 600 मारा था। हमारे आरएस रऊफ टेपिये को 5 ओवरों में 60 रन पड़े थे टेस्ट मैच में, आरएस रऊफ टेपिये को 5 ओवरों में 60 रन पड़े थे, 60 रन। आप अंदाजा लगा लो टेस्ट मैच में टेपिये को पिंडी में 5 ओवरों में 60 पड़ रहे हैं, 600 रन इंग्लैंड हमें एक दिन में मार रहा है, एक दिन में 4 उनके प्लेयर 100 मार रहे हैं, स्मॉली पॉप, जैक क्रॉली, बेन डकिट और हैरी ब्रूक्स, 400 प्लस 600 केपीए को इतना मारा कि उसके अंदर डंडा दे दिया और उसका उधर ही टेस्ट कैरियर खत्म। और वो इतनी नीचे आके खेला, बहरहाल ये लंबी असल में मैं तो देख भी नहीं रहा था। मेरे फैंस भी हैं, अब क्या करूं, दोनों तरफ से हैं, ठीक है, कुछ जानबूझ के मुझे भेजते हैं चीजें, ठीक है। आज भी मुझे जब मैंने पहला ट्विटर पे देखा तो मुझे एक साहब ने भेजा हुआ था कि यार देख लेना आज बारिशाल बर्नर्स का कौन सी रंगपुर राइडर्स का आज खेल रहा है बाबर आजम, तो मैंने बोला भाई जरो देख लेता हूँ मैं, अब इससे पहले कि मैं देखने के हमें इस पे बात नहीं करनी थी, पर मैंने इशारा दिया उन लोगों को कि अब तुम्हें वर्ल्ड कप लग गया, अब तुम्हें सब कुछ लग गया, अब तुम्हें मिली क्या बांग्लादेश प्रीमियर लीग। वे एक ओवर में जहाँ पे 3 बॉले करवा के ऑफ स्पिनर जा रहा है, मैं कोई शक थोड़ी कर रहा ना, हमारा राइट है, ठीक है, वो लोग खुश है उस पर, ठीक है। उस लीग में तुम कह रहे हो कि उसने मैच जितवा दिया, हालांकि मारा वहां उमर जई ने टाइम पे 3 छक्के, यार दुनिया को पता है मैन ऑफ द मैच भी उमर जई हुआ है। बहरहाल एक मैच, हाँ बात करेंगे आज व्यूज कम आ जाए, बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस शेर के बच्चे वेस्ट इंडियन, क्या लड़ाई कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा अगर आप मुझसे एक वन लाइनर पूछे ना तो आई विल से के पुअर बॉलिंग फ्रॉम इंग्लैंड एंड एक्सलेंट बैटिंग From India. मतलब जितनी पुअर बॉलिंग उन्होंने की उतनी ही उस बॉलिंग का जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल इंडियन बल्लेबाजों ने किया, और बिल्कुल बगैर घबराए हुए दलेरी के साथ इंडियन बल्लेबाज आज खेले हैं। और ये नहीं है कि जो जहां पे आज सुबह अनफॉर्चुनेटली मतलब माई मैन जायसवाल नहीं कर सके 180 रन ही कर सके, लेकिन आप उनके 80 रन को निकाल दें तो पीछे फिर इंडिया परेशानी में है अगर जायसवाल 80 रन नहीं करता और जल्दी सस्ते में निमट जाता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया इस वक्त किस सिचुएशन में होता। इंडिया बहुत कम लीड में होता, बहुत कम लीड में। तो ये जो अब 400 प्लस इंडिया ने स्कोर कर लिए हैं आज के दिन में, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल एक जिसको आप कहते हैं कि डोमिनेट किया है, जो हमारे बाबर आजम कहा करते थे ना कि हम डोमिनेट करते हैं, हमने डोमिनेट किया, इसको डोमिनेट करना कहते हैं भाई, इसको डोमिनेट करना कहते हैं। और सभी बल्लेबाजों ने बहुत अपना रोल प्ले किया, बिकॉज इट्स अ टीम गेम, सिर्फ कोई एक आदमी ऐसा नहीं होता कि जिसको खेलना होता है। आपको अगर टेस्ट मैच जीतना होता है तो आपको एक से ज्यादा प्लेयर जो हैं वो आपके अच्छा खेलने चाहिए, और बिल्कुल जो है वो ऐसा लग रहा है कि इंडिया इस मैच में बना हुआ है। और मैं पहले से बता देता हूं आपको कि इस मैच में इंग्लैंड को अगर कोई बचा सकता है ना वो है बारिश,
अगर बारिश नहीं होती तो ये मैच इंडिया के हाथ में है इस टाइम। इंडिया इस मैच में ड्राइविंग सीट के ऊपर है क्योंकि अभी दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ और इंग्लैंड की टीम ने 246 रन पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन इंडिया की टीम 421 पे 7 खिलाड़ी अभी आउट है और कुछ कम नहीं बल्कि 175 की लीड इंडिया की टीम हासिल कर चुकी है। कल के दिन अगर इंडिया की टीम बैटिंग करती है एक सेशन भी तो इंडिया 220-25 की लीड अगर पहली इनिंग्स में ही हासिल कर लेता है तो इंग्लैंड के बस में ही नहीं है ये मैच यहां से जीतना। भारत बहुत कमाल की जो बैटिंग की है और वो जो इंग्लैंड ने बैस बॉल का जो शोर डाला हुआ था इंडिया ने उनको बैस बॉल खेलने भी नहीं दिया, खुद आके जो पहले एक दो घंटों में बैस बॉल खेल के उनके बॉलर्स की ऐसी की तैसी फेर दी जायसवाल ने और उसके बाद आराम से खेल खेल के केएल राहुल और जडेजा ने जो है उनके बॉलर्स को थका दिया, इनके पसीना पसीना कर दिया इस सर्दी में उनके बॉलर्स को। और केएल राहुल आप देखें थोड़ी सी बदकिस्मती है कि इतना अच्छा बॉल नहीं था, उस बॉल को राहुल कहीं भी मार सकते थे और बॉल जो छक्के के लिए भी जा सकता था। बेस बॉल की क्या के लिए आज, कल तो भाई सिर्फ जायसवाल लेके गया, कल तो सिर्फ जायसवाल ने लिया, लेकिन आज किसने लिया है, आज लिया भाई जायसवाल ने भी लिया, आज लिया तो भाई केएल राहुल ने भी लिया, आज लिया तो अक्षर पटेल ने भी लिया, आज लिया तो जो सबसे ज्यादा जो पूरा दिन लेता रहा ना, इसने पूरा दिन क्या घंटा बजाया, जिसने पूरा दिन क्या घंटा बजाया ना, उसका नाम है भाई रविंद्र जडेजा। और भाई ये इस वजह से मैं इंडिया की तारीफ करता हूँ, मुझे इंडिया की क्रिकेट पसंद है और वो पसंद करवाते हैं तो हमें पसंद है ना। अब मुझे बताओ रविंद्र जडेजा जैसा ऑलराउंडर पिछले 10 सालों में पिछले 15 सालों में पाकिस्तान ने कब जडेजा जैसा तीनों फॉर्मेट का ऑलराउंडर प्रोड्यूस किया, मुझे बता दो ना कब किया, अगर किसी ने किया तो मुझे वो नाम बता दो। अब मुझे वो राणा, बेन, फहीम, अशरफ, स्टोक्स, कैलिस्पो ना दिखाना शुरू कर देना, वो घंटे का राणा अशरफ। और भाई आप ऐसे ऑलराउंडर प्रोड्यूस करो ना कि जो आपको विकेट भी लेके दे, अब ऐसे ऑलराउंडर प्रोड्यूस करो जो आपको 100 भी करके दे, ऐसा ऑलराउंडर अगर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया ना तो भाई मुझे दिखा दो, मेरा घंटा प्रोड्यूस किया इन्होंने, मेरा छनकना किधर गया, मेरा छनकना भाई इन्होंने प्रोड्यूस किया इंसान के बच्चों वाला। वो अभी मैं देख रहा हूँ शुएब मलिक फिक्सर, वो फिर पाकिस्तान बदनाम हो गया भाई, फिर फिक्सिंग के स्कैंडल बाहर आ गया, वो मलिक ने फिक्सिंग कर लिया उधर, तो फुदड़ ने शादी की, फिक्सिंग की, ये भाई बगैरतियों से बात नहीं आएंगे, लेकिन जो घंटा बजाया आज और वो ही पिच बात ये अब्दुल्ला भाई देखिए पिच वही सब कुछ वही, टर्न भी मिल रहा है उनके बॉलर को, स्पिन भी मिल रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ ये कि उनके बॉलर विकेट ले रहे हैं, इनके बॉलर विकेट ले नहीं पा रहे। और मैंने कल भी एक महीने से हम बोलते आ रहे हैं जडेजा, अक्षर पटेल और अश्विन, ये स्ट्रीम की जान है, ये इनमें से कोई एक भी हट जाता है स्ट्रीम का 400 हो जाता है, और वही 81 कर गया जडेजा। अभी अक्षर पटेल भी साथ खेल रहे हैं, लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इनकी पार्टनरशिप लगी थी 400 हो गया था, तो टीम बड़ी खतरनाक है। अनलकीली आज केएल राहुल भी सेंचुरी नहीं कर पाए, जायसवाल भी सेंचुरी नहीं कर पाए, जडेजा क्या सेंचुरी करेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इंडिया कल आपके साथ ही तेज खेल के डिक्लेयर कर देगा, या इंडिया एक और दो सेशन खेल के इंग्लैंड को एक ही बारी में ऐसा जिसको कहते हैं ना लीड देगा कि वो उतार ही ना पाए और फिर इंग्लैंड एक इनिंग से इनके खिलाफ जीत जाए। तो कैसी लगी आज की परफॉर्मेंस? बड़ी आज की परफॉर्मेंस इंडिया की बहुत अच्छी थी, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 410 मेरी प्रेडिक्शन थी कि 410 अगर इंडिया करेगा, लेकिन इंडिया बड़ा जबरदस्त खेला है, इंडिया बड़ा ऊपर उनकी लीड चली गई है 170 कुछ प्लस 170 प्लस की, बिल्कुल इतनी उनकी लीड हो गई है, तो ये बड़ी अच्छी खासी और इनफ लीड है मुझे लगता है। मैं लेकिन आज यकीन करें जायसवाल की सेंचुरी मैं चाहता था, बड़े दिल से चाहता था कि यार उसकी सेंचुरी हो, वो रह गया शुमन गिल फिर नहीं चला, लेकिन उसके अलावा केएल राहुल उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही और जडेजा तो यार एक साथ देखे 400 प्लस स्कोर हो चुका है, एक सेंचुरी तो बनती है इंडिया की तरफ से, यहाँ वो जडेजा मार ले, जडेजा ही है मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है कि जडेजा जो है ना वो सेंचुरी करेगा, इंडिया डिक्लेयर कर देगा, मुझे मेरा मानना है कि इंडिया कोशिश करेगा 550 तक जाए, 550 आपका होगा इसका मतलब। दोस्तों इंडिया वर्सेज इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच की जो फर्स्ट इनिंग है वो खत्म हो चुकी है और इंडिया ने क्या जबरदस्त बैटिंग की है भाई, 421 रन ठोक दिए हैं 7 विकेट के ऊपर, अभी भी यानी कि टीम जो है ऑल आउट नहीं हुई थी और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही टीम के जो बल्लेबाज थे उनकी, यशस्वी जायसवाल ने पहले जो 80 रन ठोके थे, उसके बाद भाई केएल राहुल ने 86 रन ठोके हैं और फिर उसके बाद जडेजा ने 80 रन ठोके, 81 रन ठोके हैं, बहुत ही शानदार आज बल्लेबाजी रही और इंग्लैंड के जो बॉलर हैं उनको सब ने कूटा है भाई, सारे जितने भी थे इंडिया के जो प्लेयर हैं सबने कूटा है। लास्ट में जो है जडेजा और अक्षर पटेल खेल रहे थे, ये दोनों नॉट आउट है और अक्षर पटेल ने भी 35 रन ठोके हैं, तो भाई सबने जम के हाथ धोया है इंग्लैंड के बॉलरों पर और खूब जम के धुलाई हुई है। 421 का एक बड़ा टारगेट रख दिया है इंग्लैंड के सामने, 175 रन से जो लीड दे रखी है इंडिया ने, अब इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग होगी उसमें देखना क्या कुछ कर पाती है, लेकिन फिलहाल तो इंग्लैंड के जो बॉलर हैं उनकी हालत ख़राब करके रख दी है इंडिया ने और इंग्लैंड का भी भाई बुरा हाल कर दिया है। और उसके बाद
अब दो विकेट जो इंडिया के जो 7 विकेट के ऊपर 421 रन है, अभी भी जो है 3 जो है विकेट बची हुई थी और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही आज की। अब देखते हैं नेक्स्ट सेशन में क्या कुछ रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।